ओके देन, सो लेट्स स्टार्ट। देखें, जब हम पेमेंट करते हैं ना अपनी लेबर वर्क फोर्स को, तो उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं पेमेंट के, या डिफरेंट आप कह सकते हैं कि डिफरेंट कैलकुलेशंस हो सकती हैं रेम्यूनरेशन की। इनको रेम्यूनरेशन मेथड्स कहा जाता है, या जो भी हम वेजेस हम अपने लेबर को, वर्क फोर्स को जो हम पे करते हैं सैलरीज वेजेस, उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो उनको क्या, इनको कहा जाता है रेम्यूनरेशन मेथड्स, कभी पेरोल भी कहा जाता है इस चीज को। खैर देखें, एक तो देखें सबसे आसान तरीका टाइम वर्क, आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ पे पर आवर। आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ पे पर आवर, सबसे आसान भाई। जितने घंटे एक शख्स या एक बंदा जो लेबर वर्क फोर्स का एक आदमी है, वो जितने घंटे काम करे उसको उसके लिहाज से पेमेंट कर दी जाए। एक एक आदमी ने 5 घंटे काम किया और रेट ऑफ पे है $10 पर आवर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 $50 पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कहते हैं हम ओवर टाइम्स पे। ओवर जी टाइम में क्या होता है कि देखें, ओवर टाइम जो है ना वो दिया जाता है टाइम एंड अ क्वार्टर। टाइम जैसे यहाँ पे टाइम एंड अ क्वार्टर, टाइम एंड अ हाफ भी दिया जाता है ओवर टाइम, या जो है वो ये, यानी कि ये जो है ना, ये असल में ये क्या है, टाइम एंड अ क्वार्टर ये ना प्रीमियम है, ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है। अब देखें इस एग्जाम्पल में ओके जो बेसिक पे है वो कितनी है, $4 पर आवर, ठीक है, और 8 घंटे ओवर जी है। तो जो ओवर टाइम काम करेगा ना, तो उसको जो है ना बेसिक से थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिलेगा, क्योंकि जो बेसिक है $4 ओके नॉर्मल आवरली रेट है, यानी कि एक तरह से ना $4 पर आवर। अब वो बोल रहा है कि ओवर टाइम प्रीमियम कितना है, टाइम एंड अ क्वार्टर। टाइम एंड अ क्वार्टर यानी इसके अंदर आप क्या करें, इसके अंदर आप इसको इस तरह से कर लें कि अंदर आप 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड अ क्वार्टर, इसका क्वार्टर ले, एक क्वार्टर और ऐड कर दें, तो क्या बनेगा, $4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्वार्टर $1। तो इस $4 में आप $1 जो है वो क्या करें कि मजीद ऐड कर दें, ठीक ओके है। तो ये $5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस $5 को ना आप मल्टीप्लाई करें किससे, तो ये टोटल $40 बन रहा है, ठीक है। देखें यहाँ पे भी इसी तरह से हुआ भाई, कि बेसिक पे जो है ना, बेसिक पे क्या है, $4 तो ये तो बेसिक अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं। अब ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम कितना बना, $1, तो इसको 8 से जी मल्टीप्लाई, जो 8 आवर्स ओवर टाइम हमने काम किया था, 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 + 32 ये इस तरह से हो जाएगा 40, ठीक है। इस तरह से ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आ गया समझ में, इसके अंदर कोई मसला जी सर, नहीं, कोई मसला नहीं, बताएं किनसा अगर नहीं आया ना आपको समझ में। खैर चलें, नहीं, सर सर मुझे समझ आ गया। फिर पीस वर्क स्कीम देखो, पीस वर्क स्कीम बहुत आसान है। पीस वर्क स्कीम में क्या होता है भाई, जितने आप यूनिट्स बना रहे ना, जितने यूनिट्स बनाएंगे उसके लिहाज से आपको जो है वो पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। पीस वर्क स्कीम में क्या है कि जितने यूनिट ओके बनाएंगे उसके लिहाज से आपको पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय इज पेड हाउ मच, $1 फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस एंड वर्क्स अ 40 आवर वीक, प्रोडक्शन ओवरहेड इज एडेड एट द रेट ऑफ $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है ना। तो अब देखो, 40 घंटे, अब 40 घंटे काम हो रहा है, लेकिन हम पेमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट पे ठीक है। अब वो इस 40 घंटे में 40 बना ले, 50, 60, 70 जितने बना ले, और एक यूनिट बनाने के उसको कितने मिल रहे, $1, ठीक है। $1 40 मल्टीप्लाई बाय 1 $40 मिल जाएंगे। यहाँ पे इस वीक में इसने 50 यूनिट्स बनाए तो इसको 50 मिल जाएंगे, 60 यूनिट्स बनाए तो $60 इसकी पे हो जाएगी। तो ये हमारी ये जो पे है ना, ये एक तरह से क्या है, ये लेबर की कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या है, लेबर की कॉस्ट है। ये जो पे है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉयर के लिए तो ये कॉस्ट, लेबर ठीक है ना, एम्प्लॉयर के लिए तो ये कॉस्ट है ये, ठीक है। अच्छा, जी कि $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर इसमें ओवर हेड ऐड कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स वीक में कितने हैं, 40 आवर्स हैं, और 1 आवर के लिए जी ओवर हेड कर रहा है, कितना कर रहा है, $2 पर आवर के लिहाज से कर रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40, 14 × 2 $80 ओवर हेड ऐड कर देगा। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट की अगर हम बात करें ना, सही है कन्वर्जन कॉस्ट याद रखना,
किंजा कन्वर्जन कॉस्ट जो होती है ना हमारे पास, वो होती है लेबर प्लस ओवरहेड्स, ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ रही है, ये देखो $120 इस हफ्ते में, $120, फिर 130, फिर 140, फिर 150। अच्छा कन्वर्जन यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट अगर तुम निकालो तो 120 को तुम डिवाइड करो 40 से तो ये बनेगा 3, फिर 130 को डिवाइड करो तुम 50 तो ये बनेगा 2.6, 140 को डिवाइड करो 60 से तो 2.33, और अगर 150 को डिवाइड करो 70 से तो ये कन्वर्जन कॉस्ट। तो अच्छा अब इसमें ना यहाँ पे एक चीज काबिले गौर है, देखो ये जितने ज्यादा यूनिट हमें बना के दे रहे हैं ना वर्कर, हमें जितने ज्यादा यूनिट्स बना के दे रहे हैं इससे हमारी कन्वर्जन कॉस्ट क्या हो रही है, देखो कम हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अभी इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा देखो अब यहाँ पे एम्प्लॉई को एक यूनिट बनाने के, एम्प्लॉई को एक यूनिट बनाने के $1 मिल रहे हैं, ठीक है। अब वो यूनिट अगर तो इसमें एम्प्लॉई का तो कोई फायदा नहीं है, एम्प्लॉई का फायदा है देखो नहीं, उसका एक ही यूनिट मिल रहा है, जितने भी यूनिट बना ले एक ही डॉलर मिलता है। इस घंटे में 40 यूनिट बनाए, 50, 60, 70 जितने भी बनाए वो 40 घंटे में, 40 घंटे काम कर रहा ना हफ्ते, अब वो 40 घंटे में जितने भी यूनिट बनाए उसको $1 पर यूनिट ही मिलेगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फायदा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है, वो कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो रही है। तो एम्प्लॉयर का तो फायदा हो रहा है लेकिन एम्प्लॉई का कोई फायदा इसमें नहीं है, ये बात आई समझ में? जी सर आगे। अच्छा चलो आगे चलते हैं। ये कन्वर्जन कॉस्ट कम क्यों हो रही है ये आप बाद में बताएंगे? अरे बेटा कैलकुलेशन से समझ लो ना कि कन्वर्जन कॉस्ट कम क्यों हो रही है, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम हो रही है, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या हो रही है, वो कम तो हो रही है। मैं रीजन पूछ रही हूँ कि रीजन क्या है इसका कम होने का? रीजन ये है कि देखो एक तरफ जो है वो लेबर की कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है, लेबर की कॉस्ट तो जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो सेम प्रोपोर्शन से जो है ना वो सेम प्रोपोर्शन से जो है इंक्रीज नहीं हो रही, जितनी प्रोडक्शन हो रही है ना वो प्रोडक्शन के लिहाज से इंक्रीज नहीं हो रही। कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, देखो कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है क्योंकि एम्प्लॉई के तो पैसे बढ़ ही नहीं रहे ना, एम्प्लॉई तो वही $1 कर रहा है, तो $1 देने पड़ रहे हैं हर यूनिट जो वो बना रहा है एम्प्लॉई, पड़ रहे हैं $1 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसका कितना देना पड़ रहा है, $1 देना पड़ रहा है। लेकिन क्या मसला है कि अगर अगर यहाँ पे एम्प्लॉई के भी पैसे बढ़े तो फिर ये कन्वर्जन कॉस्ट जो है थोड़ी यानी कि कम इस तरह से कम नहीं होगी या ज्यादा कम नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसमें हम एक ही डॉलर दे रहे हैं एम्प्लॉई को, $1 पर यूनिट दे रहे हैं, वो 40 घंटे काम कितने घंटे कर रहा है, वो 40 घंटे कर रहा है। अब वो 40 घंटे में 40 बनाए यानी कि टाइम तो सेम ही है ना, टाइम तो सेम ही है, सही बात। ओवरहेड लगा रहे हैं वो तो हम टाइम के लिहाज से लगा रहे हैं, टाइम ओवरहेड तो हम टाइम के लिहाज से लगा रहे हैं ना, 40 घंटे काम फैक्ट्री में तो ओवरहेड तो हम टाइम के लिहाज से लगा रहे हैं ना, यहाँ पे ओवरहेड क्या कर रहे हैं हम टाइम के लिहाज से लगा रहे हैं, 40 घंटे एक बंदे को बुलाया, 40 घंटे हफ्ते में काम कराया, अच्छा 40 घंटे तक फैक्ट्री चलती रही, फैक्ट्री में ओवरहेड्स इनकर होते रहे, वो जगह वहां पे रेंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब इनकर होता रहा, ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्ट तो हमारी सेम ही, लेकिन उस ओवरहेड की कॉस्ट में, इस ओवरहेड की कॉस्ट में हमने क्या किया, हमने जो है पहले शुरू में कम काम कर रहे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट बना लिए, वो ज्यादा काम करने लगे। देखो कॉस्ट सेम ही रही, एक तरह से ओवरहेड कॉस्ट सेम ही रही, तुम देखो ओवरहेड की जो कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट सेम ही रही लेकिन काम बढ़ गया, वो तो एक ही आ रही है, करना शुरू कर दिया उसने। तो जब काम ज्यादा करना शुरू कर दिया तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो गई, वो कम हो गई। या समझ में? देखो कन्वर्जन कॉस्ट की बात हो रही है, एक हफ्ते में, एक हफ्ते तक हमने काम कराया भाई, एक तुमने किसी को रखा पहले, तुमने एक हफ्ते तक काम कराया, पहले हफ्ते में 40, उसने 40 यूनिट बनाए, फिर 50 बनाए, फिर 60, फिर 70, लेकिन
यहाँ पे जो तुम्हारी ओवरहेड की कॉस्ट है, जो तुम्हारी यानी कि जो जिस जगह पे तुम काम करा रही हो, फर्ज करो तुम जिस जगह पे काम करा रही हो वहां पे कुछ ओवरहेड्स इनकर कर रही हो, तो ओवरहेड्स तो तुमने सेम ही इनकर की है, लेकिन उस बंदे ने काम तुम्हें ज्यादा करके दे दिया, जी तो इससे जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट है यानी कि जी ओवरहेड की कॉस्ट प्लस लेबर की कॉस्ट, जो टोटल जो तुम्हारी कन्वर्जन कॉस्ट है, तो कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई तुम्हारी, कम होती चली गई इस तरह से। ठीक है ये आ रहा है समझ में? जी सर, आ गया आ रहा है ना? अच्छा देखो, अच्छा ये है पैनी पिचर, पैनी जी जी सर, पिचर। आ गया हाँ हाँ चलो ठीक है, देखो पैनी पिंचर। अब इसके अंदर इसने एक गारंटीड मिनिमम वेज भी डाल दी, ठीक है ना, जी 120, 140 एंड 160 टावल्स। अच्छा पैनी पिंचर को कितने पैसे मिलते हैं? पैनी पिंचर को मिलते हैं 50 सेंट हर उस टॉवल के लिए जो वो बनाती है, ठीक है, लेकिन उस पे उस ओके गारंटीड मिनिमम वेज है, गारंटीड मिनिमम वेज कितनी है सर? $60 है, ठीक है, फॉर अ जी 40 वीक, 40 घंटे हफ्ते में काम करेंगे करेगी, और कम से कम उसको कितने मिलेंगे? $60 उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। इन अ सीरीज ऑफ 4 वीक्स शी मेक्स 100, 120, 140 एंड 160 टॉवल्स, ठीक है। अब देखो पहले हफ्ते में ठीक जो है पैनी पिंचर ने कितने बनाए, पैनी पिंचर ने है, कितने, 100 100 बनाए, और एक एक यूनिट ठीक, कितने पैसे मिलते पैनी पिंचर को? तो 50 सेंट, फिफ्टी पहले हफ्ते सेंट कितने मिलेंगे पैनी पिंचर को? 100 × 50 सेंट्स है, लेस देन $1, फिफ्टी $50 मिलेंगे, तो फिफ्टी फिर फिफ्टी सर, डॉलर उसके बने। हाँ उसकी जो गारंटीड मिनिमम है कितनी है बेटा? 60 तो 60 है, तो कितने मिलेंगे? 110 हो गए सर, अरे बेटा नहीं, देखो गारंटीड मिनिमम है, गारंटी 110 हो गए ना, 60 देखो, जी, 60 तो स्टार्टिंग है, प्लस 50 और हो गए यूनिट्स के लिहाज से देखें, अगर हम यूनिट्स के लिहाज से देखें, अगर हम यूनिट्स के लिहाज से देखें, तो पैनी पिंचर को जो है पहले हफ्ते में कितने पैसे मिलने चाहिए, पहले हफ्ते में सर, कितने, 50 $50 दूसरे हफ्ते में कितने मिलने चाहिए? 120 आधे कर लो ना बेटा इसके, 50 सेंट है तो पॉइंट,60 जी सर, 60 70 70, ठीक है। 80 अच्छा अब ये ना गारंटीड मिनिमम है, गारंटीड मिनिमम जी यानी इससे कम उसको किसी भी हफ्ते में नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे ऑल दो जी पिछले हफ्ते में उसके बनते थे $50, पहले हफ्ते में उसके बनते थे $50 अकॉर्डिंग टू द वर्क शी परफॉर्म्ड, लेकिन मिलेंगे कितने? $60 बिकॉज दिस इज 60 गारंटीड, ठीक मिनिमम, ओके है। अच्छा अब हम कर लेते हैं इसके ओवरहेड की ओके सर, ना। अच्छा नीचे दिया हुआ कुछ, कैलकुलेट पर पे, अच्छा देखो कैलकुलेट हर पे ईच वीक एंड द कन्वर्जन कॉस्ट पर टॉवल इफ प्रोडक्शन ओवरहेड इज एडेड एट अ रेट ऑफ हाउ मच, $2.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, कितने आवर्स हैं वीक में? डायरेक्ट लेबर हाँ कितने आवर्स हैं वीक में? 40 आवर्स, 40 आवर्स 40 आवर्स हैं, ठीक है, तो पर वीक जो है ओवरहेड जी, की कितनी हो जाएगी, प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट? सर 100 40 × 2.50, 100 100, ठीक है, तो पहले वीक में कितने जी थे? 60, 60 + 100 टोटल कॉस्ट 160 हो जाएगी, ये देखो, वन ठीक सिक्सटी है, पहले पहले हफ्ते ओके 60 थे, दूसरे हफ्ते में भी 60 दी गए, तीसरे हफ्ते में जी 70 और चौथे हफ्ते में 80 सेवन प्लस। अच्छा वही वाली बात है, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट दोबारा से देखो, कन्वर्जन कॉस्ट पर जी यूनिट सर, क्या हो रही है? कम हो रही है, काम हो रही है जी ये आ रहा है समझ में, कन्वर्जन कॉस्ट कम हो रही है, यूनिट कन्वर्जन जी कॉस्ट। सर, आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्शन जी, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे सेम है और हमारे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ी और हमारी टोटल यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट कम हो रही है हाँ, पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट हमारी जो है वो कम होती चली जा रही है, ठीक है। अब देखो वहां, यहाँ पे भी यही नीचे बात लिखी हुई है, देयर इज नो जी इंसेंटिव सर टू पैनी पिचर टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट,
अनलेस शी कैन एक्सीड 120 यूनिट्स इन अ वीक। अच्छा, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि पेनी पिंचर जो है, या तो वो 120 से ज्यादा यूनिट बनाए तो उसके $60 से ज्यादा बनेंगे, ठीक है, वो इतना काम करे कि वो 120 से ज्यादा यूनिट बनाए तो उसको $60 ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा उसके पास ना कोई और इंसेंटिव नहीं है, इसके अलावा उसके पास कोई और इंसेंटिव नहीं है, उसके पास ये इंसेंटिव है कि वो बस अपने 60 यूनिट्स को ना एक्सीड करे, यानी कि देखो 60 यूनिट्स एक्सीड करे तो जो है ना उसको, तो उसको पैसे जो है वो ज्यादा मिलेंगे। अगर ये 60 यूनिट, अगर ये अगर ये 120 यूनिट्स बहुत ज्यादा हुए और वो अचीव नहीं कर पा रही है वीक में, तो फिर उसके पास जो है ना कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इस जो है वो वन टो वो यानी के वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, यानी कि इसमें जो है ना, इसमें ना मसला यही है कि इसके अंदर कोई ऐसा बोनस वगैरह शामिल नहीं है कि वर्कर जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। इसके अंदर सिर्फ फायदा देखो फिर दोबारा किसका हो रहा है, एक तरह से जितने ज्यादा यूनिट बन रहे हैं फायदा किसका हो रहा है, ज्यादा फायदा ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है, ये फर्म का, हाँ ऑर्गेनाइजेशन का जी, हाँ इसका ना फर्म का फायदा ज्यादा हो रहा है इसके अंदर, ये एक मसला है इसके अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं पीस वर्क पे। पीस वर्क देखो, पीस वर्क क्या होता है, एन एम्प्लॉई इज पेड $5 पर पीस वर्क आवर प्रोड्यूस्ड, पर पीस वर्क आवर, पीस वर्क आवर, आवर नहीं है, क्या लिखा हुआ है, पीस वर्क आवर लिखा हुआ है, इसको जरा गौर से पढ़ना है, इसमें गलती हो जाती है लोगों से, पीस वर्क आवर लिखा हुआ है। इन अ 35 आवर वीक दे प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट, ठीक है, 35 घंटे के एक हफ्ते, एक हफ्ते में 35 घंटे काम किया उन्होंने, और उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए, 3 यूनिट्स बनाए प्रोडक्ट, 5 यूनिट बनाए उन्होंने प्रोडक्ट बी के। अब कंपनी ने क्या किया हुआ, कंपनी ने ना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि प्रोडक्ट ए के एक यूनिट पे 2.5 घंटे लगते हैं और प्रोडक्ट बी के एक यूनिट पे 8 घंटे लगते हैं। तो अगर इस स्टैंडर्ड के लिहाज से हम देखें, अगर इस स्टैंडर्ड के लिहाज से हम देखें, अगर इस स्टैंडर्ड के लिहाज से हम देखें, ये जो स्टैंडर्ड कंपनी ने सेट किया, तो टोटल जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट बनाए 7.5 आवर्स जो है लगने चाहिए, और इसके जो 5 यूनिट बनाए जी, इसके लिहाज से कितने, 40 आवर्स लगने चाहिए, टोटल कितना हो गया 47.5 आवर्स, ठीक है। तो इस 47.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो जी, पीस वर्क आवर से, पीस वर्क आवर है ना 5, इससे ओके। देखो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा सर, 237.5, बस ये जो है ना, ये इसकी जो है ना वो बन जाएगी, ये यानी कि ये एम्प्लॉय की पे बन जाए, बन जाएगी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ओके ठीक है सर ये, ठीक है, ये इस तरह से जी सही है, ठीक है, ये एम्प्लॉय की पे, देखो यहाँ पे बस एक चीज का ख्याल रखना, पीस वर्क आवर प्रोड्यूस, क्योंकि इसने लिखा हुआ है 35 आवर वीक। अब तुम जो है ना यहाँ पे जो है ना ये तुम कंफ्यूज हो जाओगी कि यहाँ पे 35 आवर वीक लिखा हुआ है और यहाँ पे तो टोटल आवर्स जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि पीस वर्क आवर के लिए, यानी कि इस स्टैंडर्ड के लिहाज से जो कंपनी ने सेट किया ना, इस स्टैंडर्ड के लिहाज से आपको वो जो है एम्प्लॉय को अपने पे करेंगे, इस स्टैंडर्ड के लिहाज से वो कैलकुलेट कर रहा है एम्प्लॉय। मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंशियल पीस वर्क, देखो डिफरेंशियल बहुत आसान है, differential piece work schemes offer an incentive to employees to increase their output by paying higher rates for increased level of production. ये जो सारी चीजें ना, ये पीछे वाली उसको ना वो करने के लिए, overcome करने के लिए, पीछे जो मैंने एक वो drawback बताया था ना कि employee ज्यादा काम कर रहा है लेकिन employee को कोई incentive नहीं है, ठीक है, तो अब यहाँ पे piece work, differential piece work schemes वगैरह ना ये किस लिए है, ये जो है ना वो जो
ड्रॉबैक था उसको ओवरकम करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। अप टू 80 यूनिट्स पर वीक रेट ऑफ पे कितना है, $1 है। 80 से 90 यूनिट्स, अगर 80 से 90 यूनिट बना लेते हैं आप एक हफ्ते में तो यानी 1.2 है। अबव 90 रेट ऑफ पे शुड ऑब्वियसली बी केयरफुल टू मेक इट वेदर दे इंटेंड टू पे द और ऑन द हाँ ठीक है। तो इसके अंदर ना एम्प्लॉय के पास क्या अब सर ये वो काइंड ऑफ कमीशन हो गया कि एम्प्लॉयर जो है वो भी अब बहुत ज्यादा जो वर्कर है वो भी अब बहुत खुश है कि उसको भी इंसेंटिव मिल रहा है कि वो ज्यादा यूनिट बनाएगा तो उसको ज्यादा मिलेगा। हाँ लेकिन है ना ये देखो ये जो है ना एक मिनट इसका एग्जाम्पल है इसका जो है वो किताब में एग्जाम्पल नहीं है ये जो है ना ये स्लैब्स है एक्चुअली ये क्या है ये जो है ना ये इसके स्लैब्स हैं जैसे टैक्स की स्लैब्स होती है सर। हाँ जैसे टैक्स के स्लैब्स होते हैं ना ये इसके ना स्लैब्स हैं। अभी मैं तुम्हें ना इसका एक छोटा सा एग्जांपल करा देता हूँ रिवीजन किट से। ये जो है ना ये इसके क्या है ये इसके स्लैब्स हैं। यानी कि पहले जो आप 80 यूनिट बनाएंगे ना उस पे आपको मिलेगा $1 ठीक है। फिर आप 80 से 90 के दरमियान जो अगले 10 यूनिट बनाएंगे उस पे आपको मिलेगा 1.20 ठीक है। उसके बाद आप जितने भी यूनिट बनाते हैं फर्ज करो 10 और बनाते हैं तो उस पे मिलेगा आपको ये इस तरह से ये 100 यूनिट्स इस तरह 1.3 स्लाइड कर दिए ठीक है। अब इसका ना एक छोटा सा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ आसान है ये लेकिन ये कि मैं इसका एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूँ उसमें से रिवीजन किट में से देखो ये है इसका एग्जाम्पल ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है ये तुम मुझे डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दो। एन एम्प्लॉई इज पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस द बेसिस ऑफ द पीस वर्क स्कीम इज एज फॉलोस और ये ना मुझे ना यहाँ पे ये एक लाइन और पढ़ लेना मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ 2 मिनट ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये मुझे ना सॉल्व करके एक छोटा सा क्वेश्चन ये यहीं पे बता दो मुझे तो तुम्हें अभी आ जाएगा समझ में ठीक है। ठीक है यहीं पे करके
ओके जी, किंता आवाज आ रही जी सर, आ रहा है आपको? जी सर, मेरा आंसर आया ए, 47.90। कितने यूनिट लिए थे तुमने? सर मैंने पहले लिए थे, टोटल यूनिट्स लिए थे 193। ठीक है ठीक है, तो पहले जो है तुमने लगाया इसके ऊपर, पहले 100 यूनिट्स, जी 0.20 लगाया, और फिर 93 यूनिट्स पे लगाया 0.30। ये तो ये आंसर आ गया तुम्हारे। ठीक है चलो, ये हो गया जी सर, डिफरेंशियल पीस वर्क स्कीम ना। ठीक है अच्छा चलो। जी अच्छा अब एक आता है हमारे पास हाई डे रेट सिस्टम। ठीक है अब ये जरा ये पढ़ो, अ हाई डे रेट सिस्टम इज अ जी सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज आर पेड अ हाई आवरली वेज रेट इन द एक्सपेक्टेशन दैट दे विल वर्क मोर एफिशिएंटली देन सिमिलर एम्प्लॉयज ऑन अ लोअर आवरली रेट इन अ डिफरेंट कंपनी। देखो मिसाल के तौर पे फर्ज करोगे तुम जो है वो अपनी ना कोई कंपनी चला रही हो, ठीक है, तुमने कुछ लोगों को बोला कि जो मार्केट में रेट चल रहा है ना मैं उससे आपको ज्यादा जो है वो वेजेस दूंगी, यानी कि मार्केट में लेट सपोज जो वेज रेट चल रहा है इस वक्त वो चल रहा है $2 पर आवर, लेकिन मैं आपको कितना दे दूंगी, मैं आपको $2.5 पर आवर दूंगी। हाँ लेकिन नॉर्मली जो लोग काम कर रहे हैं वो जी 100 यूनिट्स बना रहे हैं 40 घंटे में, आप मुझे बना के दें 120 यूनिट्स। ठीक है वो लोग मान गए, वो लोग राजी। ओके जी ठीक है तो अब देखो, अब जो है ना ये कहलाएगा हाई डे रेट सिस्टम। ठीक है यानी कि तुम जो ओके 40 घंटे में एक बंदा उन जो दूसरे हैं वो $2 देके कितना काम करा रहे हैं, उनसे $2 देके 100 यूनिट बनवा रहे हैं, तुम उनको $2.50 देके, 100 यूनिट बना रहे, हाँ, तो तुम 120 यूनिट्स वन ट्वेंटी जी से। ठीक है अच्छा अब इसमें ना जरा बेटा मुझे एक काम करो, मुझे जो है ना कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ 100 यूनिट्स के लिए और 120 यूनिट्स के लिए, दोनों के लिए ना मुझे कन्वर्जन कॉस्ट इसके अंदर मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ, ओके सर, करके ओके दिखाओ। सर, चलो ओके जी के, जी सर, हाँ कैलकुलेट सर कन्वर्जन कॉस्ट हमारी आ रही है 1.6, और फिर आ रही है 1.5। ठीक है, ये देखें कन्वर्जन कॉस्ट आपने कैलकुलेट की, ठीक है हाँ जी सर, ठीक कॉस्ट, हाँ ठीक है सही कैलकुलेट किया आपने। ठीक है ना पहले आपने हंड्रेड जी यूनिट सर वाले के लिए की, 100 यूनिट्स वाले के लिए की, ठीक है पहले आपने जी, हंड्रेड, और 80 मैंने डॉलर किया उसको, हाँ फिर इसको आपने जो है उसको मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड भी 80 किया, क्योंकि 40 × 2 = 80 तो 80, पर डायरेक्ट लेबर आर को 2। हाँ तो आपने क्या किया कि 2.5
टू इंटू 40 80 लिया और फिर इसके बाद हाँ $2 पर डायरेक्ट, हाँ तो 2 + 2 जो है वो 4 हो जाएगा, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4.5, हाँ सही है ठीक है। तो आपने इस तरह से क्या किया कि आपने इसकी कन्वर्जन कॉस्ट यही आ रही है आपकी दोनों में, देखें सर यही आ रही है, हाँ ठीक है तो ये हो गई कन्वर्जन। अब एक काम ये करो किंजा कि यही कन्वर्जन कॉस्ट तुम जी कैलकुलेट करो 180 यूनिट्स के लिए, देखो क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर। इसी तरह से कन्वर्जन कॉस्ट तुम कैलकुलेट करो, ये 120 यूनिट्स वाला है ना, 2.5 जहां पे ये दे रहा है, $2.5 रखो, 180 यूनिट्स के लिए ना तुम ना कैलकुलेट करो, देखो तुम्हारा क्या बन रहा है जवाब। सर 180 यूनिट्स के लिए करूं और रेट 2.5 ही रखूं? ना हाँ ये 2.5 ही रखो। ओके जी कर लिया आपने कैलकुलेट? नहीं सर अभी कर रही हूँ। जी ऐसे कैलकुलेटर पे करके बस आप मुझे बता दें। जी सर 180 यूनिट्स इनटू 2.5 का रेट लगा रही हूँ 180 पे, तो 450। नहीं नहीं देखो ये ना कुछ गलती कर दी तुमने, असल में इसमें करना क्या है वुड मेक कंफ्यूज हो गए देवर पेड, देखो कैसे देखो उनका पे रेट, देखो पे रेट एम्प्लॉय का पे रेट क्या है, $2 पर आवर है, पर आवर दिस इज इम्पोर्टेंट। को जो पैसे मिल रहे हैं किसके लिहाज से मिल रहे हैं, घंटों पे पैसे मिल रहे हैं एम्प्लॉय को, समझी, घंटों पे पैसे मिल रहे हैं एम्प्लॉय को कि $2 पर आवर घंटों पे पैसे मिल रहे हैं, और ओवरहेड कॉस्ट जो वो ओवरहेड कॉस्ट जो वो इनकर कर रहा है वो भी किसके ऊपर कर रहा है, वो भी घंटों के लिहाज से इनकर कर रहा है, ठीक है। ये जो है ना देखो 180 तुम ऐसे कैलकुलेट करोगी, 180 यूनिट्स तुम ऐसे कैलकुलेट करोगी, 2.5 घंटे काम किया, 40 घंटे मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस जो ये वाला जो रेट है वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, देखो ना टू सर 80 है जी, हाँ तो ये क्या है, तो ये कितना बन जाएगा, और इसको तुम डिवाइड कर दोगी, देखो क्या आ रहा है जवाब। अच्छा सर 2.5
जवाब आएगा तुम्हारा $1 पर यूनिट। देखो ये आ रहा है आंसर। जी सर यही आ रहा है, यही आ रहा है ना आंसर। तो ये जो है ना ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये टोटल जाने के, ये जो है ना ये टोटल, ये क्या बन गई, ये बन गई तुम्हारी, देखो ये तो हो गई, ये तो वेज रेट हो गया, ये वेज रेट हो गया, ये तुम्हारा हो गया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसके ऊपर तुम ओवरहेड ऐड कर रही हो, ओवरहेड जो तुम ऐड कर रही हो, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी ये ऐड कर दिया तुमने, ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू $1 पर यूनिट। सही है सर। ये क्या, ये आ गई तुम्हारी, ये वेजेस यानी कि लेबर वेजेस प्लस ओवरहेड, तो ये क्या बन गई तुम्हारी, ये बन गई कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की, ये जो हमने कैलकुलेशन की, ये हमने की कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन की ना जी। एक तरह से देखो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन हुई हुई है, ये किसकी, कन्वर्जन कॉस्ट की हुई हुई है ना, एक तरह से कैलकुलेशन ये है। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉइज कैन नॉट अर्न मोर देन द फिक्स्ड आवरली रेट फॉर देयर एक्स्ट्रा एफर्ट। वही वाली बात है, वही वाला ड्रॉबैक है जो मैंने वहां तुम्हें बताया था पैनी पिंचर वाली में, ठीक है, तो इसके अंदर भी ना यही वाला ड्रॉबैक है हाई डे रेट स्कीम्स में, ठीक है। सही है। तो देखो अब ना एक होता है इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल को बोनस दे रहे हैं हम, और एक होता है ग्रुप का बोनस, ठीक है, दोनों के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखो तो जो है ना इसमें जो है ना क्या करना है तुम्हें, तुम्हें जो है ना इन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ना पढ़ना है, एक ही पेज है बस, इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स और ग्रुप बोनस स्कीम, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को तुमको पढ़ना है। अच्छा ग्रुप बोनस okay. एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि देखो काम एक ग्रुप में 10 लोग हैं, उन 10 में से 4 ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं जो ज्यादा काम करते हैं, 6 जो है इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उन 4 लोगों की वजह से उन 6 लोगों को भी बोनस मिल जाएगा जो डिजर्व नहीं करते। ये बात आई समझ में जी, ये बात सर। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो इसका डिसएडवांटेज है। चलो रिकॉर्डिंग लेबर कॉस्ट नहीं, ये हम अच्छा अब हम आते हैं लेबर टर्नओवर की तरफ। अच्छा आइडल क्या होता है यहाँ पे ना, आइडल टाइम समझ लो, आइडल टाइम वो होता है जहाँ पे ना हमारे वर्कर ना किसी वजह से जो है हमारी प्रोडक्शन है और हमारे वर्कर जो है ना वो क्या हो, हमारे एम्प्लॉइज फारिग बैठे रहे और हमें उनको क्या जी, जैसे हमारी कोई हमारे पास कोई स्टॉक खत्म हो गया या मशीनरी खराब हो गई है तो हम उनको पे कर रहे हैं मगर वो आइडल बैठे हैं, वो आइडल ये होगा आइडल टाइम, ठीक है, ये कहलाएगा आइडल टाइम। इसका एक रेशियो है, ये रेशियो याद कर लेना, आइडल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, ठीक है okay. हाँ ठीक है, ये यानी कि ये दिस इज अ मेजर ऑफ अनप्रोडक्टिविटी, यानी कि इससे पता चलेगा कि हमारी जो इनएफिशिएंसी कितनी रही, ठीक है, अगर ज्यादा ये रेशियो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है इनएफिशिएंसीज हमारी इंक्रीज हो रही है। अच्छा अब ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इसके अंदर लेबर टर्नओवर का। लेबर टर्नओवर क्या होता है, जब हमारे एम्प्लॉइज जो है वो क्या करते हैं कि छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा okay. अब ये देख लो, अच्छा लेबर टर्नओवर में एक जो है मजेदार बात है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट्स। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है मिसाल के तौर पे एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, एक खिलाड़ी को कोच जो है क्या करता है, कोच क्या करता है, एक खिलाड़ी को बुला लेता है, उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट भेज देता है, तो ये क्या होता है, ये रिप्लेसमेंट होता है जी। तो रिप्लेसमेंट क्या है? जब तो रिप्लेसमेंट क्या हुआ, रिप्लेसमेंट ये हुआ कि जब हमारा कोई एम्प्लॉई चला गया, हमारा कोई एम्प्लॉई गया, हमने उसकी जगह किसी और एम्प्लॉई को रख लिया, तो ये क्या होगा, ये हमारा रिप्लेसमेंट होगा। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देना पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे
कि एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, हाँ employees at the beginning, number of employees at the beginning of the period, number of employees at start plus number of employees at end, दोनों को add करेंगे divided by 2, 2 से divide कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ पीरियड आ जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक है। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ और बड़ा ट्रिकी एग्जांपल है इंटरेस्ट। ये 6.9 देखो बेटा, 6.9 देखो जी। चलो इसमें तुम्हें ना रिप्लेसमेंट, तो फॉर्मूला तुम्हें बता दिया मैंने जी, फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया है, रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 100 पर, हाँ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया है। इस फॉर्मूला में इसका आंसर ना कैलकुलेट करना है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कितना क्या आया समझ में। ठीक है, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का मतलब है वही मेरी कोच वाली एग्जांपल जहन में ले आओ कि फुटबॉल का मैच हो रहा है, एक खिलाड़ी को कोच ने बुलाया, दूसरे को उसकी जगह खेलने के लिए भेज दिया, सब्स्टिट्यूट, जैसे फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं ना खिलाड़ी, इसी तरह तुम्हें सोचना है कि यहाँ पे कितनी रिप्लेसमेंट्स हुई। ठीक है, तो मैं रिप्लेसमेंट सोचना है कि रिप्लेसमेंट्स कितनी हुई, जरा सोचो इसको और इसको करो। ठीक है, चलो सही।
जी गिंजा जी सर 60% आया मेरा आंसर। देखो ये तुमने ना फिर यहाँ ये गलती कर देते हैं लोग इसके अंदर। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे एग्जाम्पल लाओ जहन में कि कितने नए लोगों को रखा है, ठीक है, यानी कि एक को बुलाया तो दूसरे को उसकी जगह भेजा। ऐसा नहीं है कि एक को रेड कार्ड मिल गया तो वो आके बैठ गया, दूसरे जो बेंच वार्मर्स के साथ आके बैठ गया, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के साथ आके बैठ गया, किसी खिलाड़ी को धक्का दे दिया उसको रेड कार्ड मिल गया तो वो आके बैठ गया दूसरे खिलाड़ियों के साथ, ऐसा नहीं है। जिसको बुलाया उसकी जगह किसी को रखा भी है। अब देखो साल के शुरू में 30 थे, 15 चले गए। जस्ट वेट अ मिनट, आई एम रिसीविंग अ फोन कॉल, सॉरी। ओके नो वेट। जी देखें आवाज आ रही है मेरी, स्क्रीन ठीक नजर आ रहा है? अच्छा देखो शुरू में 30 थे, 30 में से कितने चले गए? 15 चले गए, तो कितने रह जाने चाहिए बताओ? कितने रह जाने चाहिए? 15 से। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कितने थे साल के एंड में, कितने थे? 20। इसका मतलब है बेटा कि कितने नए एम्प्लॉइज को हायर किया होगा, कितनी रिप्लेसमेंट्स हुई? ओके 5 रिप्लेसमेंट्स। ठीक है सही है। और 20 का जो है ना वो एवरेज ले लो, 30 प्लस 20 20 प्लस 20 का 40/2 20 ये एवरेज एम्प्लॉइज हो गए जी 30। ओके सर एवरेज एम्प्लॉय तो मेरे सही आए थे 25, ये ऊपर जो था ये मेरा रिप्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम कर दी मैंने। अपॉन 25 क्या होगा? 5/25 यानी कि 1/5 इज इक्वल्स टू कितना? 20%। ठीक है ये एक मिनट सर मैं जरा दोबारा देख लूँ ये वाला। हाँ 13 15 ओके सर ठीक है समझ आ समझ में। देखो नई नई रिप्लेसमेंट्स कितनी आई हैं? 5 आई। ओके ठीक है सब्स्टिट्यूट कितने आए? 5 आए, 5 5 आए। ओके चल ये कर लेते हैं, ये हो गया। अच्छा अब एक और सवाल है इसी का, ये भी कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये कंपनी हैज 4000 स्टाफ एट द स्टार्ट ऑफ 2006 एंड एट द एंड ऑफ द एंड एट द एंड ऑफ एंड एट द एंड दिस हैड रिड्यूस्ड टू हाउ मच? 3800। रिडंडेंसीज मेड। देखो रिडंडेंसीज क्या होती है कि रिडंडेंट, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है वो अपना कोई सेक्शन बंद कर रही है, कोई डिपार्टमेंट कोई डिवीजन बंद कर रही है, उसकी वजह से एम्प्लॉइज को क्या कर रहा है? एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं, रिडंडेंट कर रहे हैं, तो ये कहलाती है रिडंडेंसीज। ठीक है अब ये बोल रहा है कि 210 स्टाफ टुक वॉलंटरी रिडंडेंसी। ठीक है ये उसकी तरह जैसे एक जमाने में पाकिस्तान में चला था ना कि गोल्डन हैंडशेक, यानी कि आप रिटायर हो जाएं तो हम आपको एक बड़ा सा रिटायरमेंट बेनिफिट दे देंगे, तो यानी कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें। तो इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि आप चाहें तो आप रिटायरमेंट ले लें, तो 210 स्टाफ 210 210 लोगों ने जो है रिटायरमेंट ले ली। कंपनी समझी कि 200 लोग रिटायर होंगे लेकिन 10 लोग ज्यादा रिटायर हो गए, 10 रिटायर हो गए, तो उनकी जगह 10 नए लोगों को
रखना पड़ा, ठीक है। ओके, इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स कितनी हुई? 200 रिप्लेसमेंट्स। नए कितने आए? 10 सर। 10 नए आए, ठीक है, समझ गए, 10 नए आए। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे? 3800। इन दोनों का मिड पॉइंट देख लो ना, 3800 और 4000 का मिड पॉइंट क्या होगा? 38 और 40 का मिड पॉइंट क्या होगा? 3900 सर। 3900, तो 10 को डिवाइड करो 3900 से, देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास। 3900 2.5 से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 0.25। मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ रहा है? 0.25% ये इसका आंसर हो जाएगा, 0.25%, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये हो गया हमारे पास लेबर टर्नओवर, ठीक है, ये हो गया लेबर टर्नओवर हमारे पास। अच्छा अच्छा बस अब एक कॉन्सेप्ट और है जो मुझे बताना है। अच्छा, लेबर टर्नओवर की जो कॉस्ट होती है ना, वो दो तरह की होती है, एक प्रिवेंटेटिव कॉस्ट होती है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। प्रिवेंटेटिव कॉस्ट्स क्या होती हैं? प्रिवेंटेटिव कॉस्ट ये होती है कि हमारे जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं वो हमें छोड़ के ना जाए, यानी कि टर्नओवर हमारा कम से कम रहे। लेबर टर्नओवर एक अच्छी चीज नहीं होती, तो हम चाहते हैं हम अपने एम्प्लॉयज को बिजनेस में रिटेन करें, तो लेबर टर्नओवर को प्रिवेंट करने की जो कॉस्ट होती है वो प्रिवेंटेटिव कॉस्ट होती है इसकी। और रिप्लेसमेंट जैसे हम इनको मेडिकल्स वगैरह और वो चीजें देते हैं ताकि हमारी कम से कम टर्न हो, जो है ना इस तरह के बेनिफिट देना कि वो ना जाए छोड़ के। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये होती है कि जब हम कोई नया बंदा हायर करते हैं तो हो सकता है हमें उसको ट्रेन करना पड़े, और फिर मिसाल के तौर पे हमें नया बंदा हायर करना है तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट उसकी हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़े, मार्केटिंग करवानी पड़े, उसकी कुछ कॉस्ट हो, फिर हायरिंग की कुछ और कॉस्ट हो, उसको ट्रेन करना पड़े, ये सारी चीज़ें जो है। और अगर हमारे पास उस जगह पे जब तक बंदा नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारा लॉस हो सकता है। जाहिर सी बात है हमारे पास एम्प्लॉय की कमी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे लॉस हो सकता है ना हमारा, तो वो जो लॉस होगा तो वो सब इसमें आ जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट में, ठीक है। इसको तुम ना तो ये तुम्हें बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चन ऑफ हाई लेबर टर्नओवर, लेकिन इसको पढ़ लेना, ये एमसीक्यूज के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया, लेकिन आसान है, कॉमन सेंस की चीज है, ठीक है। टर्नओवर हो गया। अब आते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, एक आखिरी कॉन्सेप्ट है आज का, देखो ये, हाँ, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। देखो जब हमारे पास एक लेजर होता है ना कॉस्ट अकाउंटिंग का, अब इसमें तुम्हें एक बात याद रखना, जब हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का लेजर होता है ना, तो उसमें मैं बताता हूं, इसको यहां समझ लो, कॉस्ट अकाउंटिंग के लेजर में, कॉस्ट अकाउंटिंग के लेजर में इसकी ना इतनी कवरेज ACCA के अंदर है नहीं, क्योंकि ACCA एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड क्वालिफिकेशन, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारे पास लेजर होता है ना, तो एक होती है हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये तो हमने पढ़ा था और बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, ये हमारी जाती है वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है जाती है ना, ये जाती है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में या प्रोडक्शन ओवरहेड के अकाउंट में, यानी जो भी उसका नाम होगा ओवरहेड के अकाउंट का नाम,
तो डायरेक्ट कॉस्ट का ताल्लुक WIP से होगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट का ताल्लुक किससे होता है, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंटिंग से, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के लेजर में, ठीक है। अब देखो यहां पे ना कुछ मसले हैं, देखो हम बात करते हैं ओवर टाइम की, मैंने एक दिन अपने वर्कर से 8 घंटे ओवर टाइम काम कराया, ठीक है। नॉर्मल जो मैं उनको बेसिक जो वेज रेट देता हूं वो मैं उनको देता हूं $4, ठीक है। लेकिन मैंने उनको एक ओवर टाइम प्रीमियम दिया, इस 8 घंटे काम करने का एक ओवर टाइम प्रीमियम दिया, वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने शुरू में पढ़ी थी, एक ओवर टाइम $1 का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ओवर टाइम का प्रीमियम। ये जो ओवर टाइम है, ये जो प्रीमियम मैंने पे किया है, ये प्रीमियम जो है ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है और ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है। वजह ये है, इसको मैं डायरेक्ट लेबर का पार्ट बनाऊंगा अपनी वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इसको डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। ये जो मैं $32 दूंगा इसको मैं डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा, इसको मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल करूंगा। ये आ रहा है समझ में? जी सर, आ रहा है। ठीक है, ये जो प्रीमियम है ये एक ओवरहेड है, ठीक है, ये एक कॉस्ट है। अच्छा, अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि हाँ ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कि ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है और ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है। अब सवाल यहां पे ये है मेरा कि ये डायरेक्ट कॉस्ट क्यों है सर और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों है, ये आप बताएं किंजा। सर क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट इसलिए कि ये तो एक बेसिक उसकी पे है, बट इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये यूजुअल नहीं है कि कभी कभी हम ओवर टाइम कराते हैं, तो इसको हम अपनी रेगुलर कॉस्ट के अंदर नहीं कर सकते। तो ये कभी अर्जेंट हो जाते हैं या कुछ ऐसा है तो फिर हम काउंट करते हैं इसको। मैं एक सवाल करूं तुमसे प्रीमियम के बारे में कि क्या ये प्रीमियम जो है वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल है? वो वाली मेरी एग्जांपल ले लो। सर नहीं, डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल नहीं है। हाँ ठीक है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है वो वाली मेरी एग्जाम्पल, फैक्ट्री में काम हम हो रहा है, फैक्ट्री में फर्नीचर बन रहा है, तो ये जो मैं प्रीमियम अपने वर्कर्स को दे रहा हूँ क्या ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है विद द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर दैट द वर्कर्स आर प्रोड्यूसिंग इन द फैक्ट्री? ये बात आई समझ में? जी सर, आगे। क्या ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है? नहीं है, नॉट है। हो सकता है बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। अगर ये ओवर टाइम कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे करवाया जाए, अगर ये ओवर टाइम कस्टमर्स की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे करवाया जाए, या जी सर तो हम लोग इसको हाँ कर लेंगे और हम कॉस्ट में अपने इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमने उनसे ही चार्ज करना है कस्टमर से। एक कॉमन प्रैक्टिस हो हमारी, मिसाल के तौर पे बैंक है, तुमने देखा होगा अक्सर लोग नॉर्मली ओवर टाइम वर्किंग कर रहे होते हैं, ओवर द यानी के इन एडिशन टू नॉर्मल वर्किंग आवर्स, वैसे उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 9 to 5 लिखा होता है लेकिन वो 7 बजे ऑफिस से निकलते हैं, तो ओवर टाइम क्या है ऐसी सिचुएशन में एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो अगर ये दो सिचुएशंस होंगी तो प्रीमियम जो है वो हमारे पास एक ओवर टाइम प्रीमियम हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डायरेक्ट कॉस्ट। मगर सर जो आप बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक को तो पैसे वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे होते फॉर देयर लेबर टू वर्किंग मोर आवर्स।
हाँ वो जो है वो कोई ओवर टाइम का वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे होते, लेकिन अगर देखो ये एक एग्जाम्पल है। हाँ देखो क्योंकि वो हाँ ये इनकी कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन हाँ सही तुमने आइडेंटिफाई किया कि उसके ना वो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। लेकिन अगर एक कॉमन प्रैक्टिस हो गया भाई, कॉमन प्रैक्टिस है हम जो है ना जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या जब भी हम काम करते हैं ना तो हम ओवर टाइम करते ही करते हैं, ओवर टाइम के बगैर यहाँ पे कोई काम होता ही नहीं है, तो एक कॉमन प्रैक्टिस ओवर टाइम। तो इस सिचुएशन में जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो एक जो है वो एक डायरेक्ट कॉस्ट ना बन जाए, डायरेक्ट हॉस्पिटल सही। है ना वहां होता है। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा हॉस्पिटल्स में होता है। तुम देखो हॉस्पिटल में कभी भी पेशेंट आ जाते हैं, रात का टाइम हो दिन का टाइम हो कभी भी पेशेंट आ जाते हैं, तुमने देखा है? तुम खुद सोचो इसको, हॉस्पिटल में कभी भी जी सर। आते हैं, हर वक्त पेशेंट आ रहे होते हैं। तो जो ऐसे हॉस्पिटल होते हैं ना जो 24 आवर चलते हैं, वहां पे बगैर ओवर टाइम के काम ही नहीं होता, जी ठीक है? तो वहां पे एक कॉमन ठीक है। प्रैक्टिस हो सकती है ओवर टाइम। बस ये है कि ये देखो यहाँ ओके पे अभी मैंने तुम्हें ये समझा दिया है, लेकिन जब भी सवाल आएगा ना तो उसके अंदर मेंशन होगा कस्टमर्स स्पेसिफिक रिक्वेस्ट या ओवर टाइम इज अ कॉमन प्रैक्टिस, ये ना मेंशन होगा वहां पे, ठीक है? मेंशन ओके सर होगा ठीक है के बारे में इतनी जाने के टेंशन लेने वाली ना बात ना नहीं है, ठीक है? तो वहां पे क्या सही। होता है, ओवर टाइम पैसे भी दिए जा रहे होते हैं हॉस्पिटल में, ओवर टाइम के पैसे भी दिए जा रहे होते हैं, और ये एक कॉमन प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है? ये आ गया समझ में? ठीक है जी हाँ तो आगे। हाँ अब देखो यहाँ पे, हाँ वेजेस कंट्रोल अकाउंट तुम्हें दिया हुआ है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? अब इसके अंदर तुम देखो कि इसके अंदर तुम मुझे ना ये एक एग्जाम्पल देखो, पूरा एक एग्जाम्पल देखो। अच्छा नेट वेजेस जी ग्रॉस वेजेस, नेट और ग्रॉस के बारे में मैं बता देता हूँ कि नेट और ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस के बारे में वैसे इसके ऊपर ना पूरा चैप्टर है सिलेबस के, मेरा ख्याल है कि सिलेबस के एंड में पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। अच्छा अब जो है ना इसमें क्या है कि ना नेट और ग्रॉस, जो भी ग्रॉस हमारे पास अमाउंट आता है ना, ग्रॉस अमाउंट आता है, ग्रॉस पे, ग्रॉस पे में से हम कुछ डिडक्शंस करते हैं। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस है, टैक्स है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान वगैरह होता है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, कोई इस तरह की चीजें हम लेस करते हैं तो हमारे पास ना नेट पे आ जाती है, ठीक है? हमारे ओके पास ना नेट पे आ जाती है। अभी के लिए ना, अभी के लिए फिलहाल ना इसको इतना समझ लो, अभी तमाम ये जो डिफरेंस ओके है ना ये मेरे जहन में भी नहीं है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें अपनी तरफ से, ठीक है? तो ठीक यानी है सर। ग्रॉस पे में से ना, ग्रॉस पे में से हम कुछ डिडक्शंस करते हैं तो हमारे पास नेट पे आ जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने खाली सही नेट पे दे दी है, इसको देख के ना कंफ्यूज नहीं होना, बस तुम एक काम ओ लो कि इसको देखो, इस एग्जाम्पल को देखो जरा, और इसमें से मुझे बताओ कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी सर और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, ये जरा सा मुझे ना इसमें बताओ पूरा, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट सही क्या होगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, बस ये तुम मुझे ये दो चीजें जो है ना मुझे अलग अलग ना आइडेंटिफाई करके दे दो, बस और कुछ नहीं, फिर तुम्हारी छुट्टी। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, हेयर आई एम टेकिंग अ 2 मिनट्स ब्रेक, और जब आऊंगा तो इस सवाल के साथ हम आज के सेशन को खत्म करेंगे, ठीक है? ये बस ये देख, ओके ये पूरा टेबल देख ना आइडेंटिफाई कर दो कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ठीक है? बस दैट्स इट, ये एक काम करो फिर तुम्हारी छुट्टी, चलो।
हेलो जी गिंजा, काफी टाइम दिया मैंने आपको, बताएं डायरेक्ट। सर, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी टाइम जो है वो डायरेक्ट है। ऑर्डिनरी टाइम किसका, डायरेक्ट वर्कर्स का, इनडायरेक्ट का? डायरेक्ट वर्कर्स। ठीक है, और अच्छा, और ओवर टाइम जो है वो बेसिक वेज डायरेक्ट है, और प्रीमियम जो है वो इनडायरेक्ट है। नहीं बाकी देखो, सिर्फ चलो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट बता दो इसके अंदर। डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ दो है इसके अंदर, पूरे चार्ट में दो डायरेक्ट कॉस्ट है। जी सर, सिर्फ दो डायरेक्ट है, ऑर्डिनरी टाइम और ओवर टाइम बेसिक वेज, बाकी सब इनडायरेक्ट है। बाकी सब इनडायरेक्ट है। गुड आंसर, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर था। ठीक है, ये जो है ना, हाँ अब इसके अंदर ना कंफ्यूज बहुत करेगा तुम्हें एग्जामिनर हमेशा। ठीक है, कंफ्यूज याद रखना कि कंफ्यूज जो है ना वो तुम्हें बहुत ज्यादा करेगा एग्जामिनर इसके अंदर, घुमा घुमा के चीजें देगा कि भाई ये ऐसा है तो ये ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ओके okay. एग्जामिनर जो है ना वो एग्जामिनर का गेम जो है ना वो इस तरह से होता है F2 के पेपर में। ठीक है, कि इन छोटी चीजों में जो है ना वो एग्जामिनर कंफ्यूज कर दे। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए दिया था कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, अरे इतनी सारी कॉस्ट दी हुई है यार, इसमें से कुछ डायरेक्ट होंगी कुछ इनडायरेक्ट होंगी, जबकि खाली दो डायरेक्ट हैं बाकी सब इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये है इसके अंदर। सर अच्छा अब हो तो होगा क्या कि जब हम वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे ना अपने पास, तीन चार देखो, ये हमने बनाया वेजेस का टी अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, देखो हमने पेमेंट कितनी की है पहले तो तुम देखो, टोटल नेट पेमेंट हमारी तरफ से कितनी हुई है, टोटल नेट पेमेंट कितनी हुई है, टोटल 6,9,825 पेमेंट कितनी हुई है, सर, 6,9,825 टोटल पेमेंट। 9,825 जो है वो पेमेंट हुई है। ठीक है, तो इसको यहां पे हम लिखेंगे बैंक, क्योंकि पेमेंट हम बैंक से कर रहे हैं। 69,825, ये तो तुमने टी अकाउंट्स पढ़े ही होंगे। ठीक जी जी सर, है, बाकी ये आएगा डिडक्शंस कंट्रोल अकाउंट, डिडक्शंस कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। और डिडक्शंस कितनी हुई है बताओ, कैलकुलेट करो कैसे निकालेंगे, 89,140 में से ये माइनस कर देंगे। 89,140 में से क्या माइनस कर देंगे सर, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके, 69 का जो है वो टोटल कितना बन जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। एक मिनट, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो के ना, अब इसकी क्रेडिट साइड पे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कुछ अमाउंट ऐसा है जो हमें वर्क इन प्रोग्रेस में लेके जाना है। बाकी अमाउंट जो है वो हमें ओवरहेड्स में ट्रांसफर करना है। प्रोडक्शन। ठीक है, तो बताओ वर्क इन प्रोग्रेस में क्या जाएगा, मैंने अभी तुम्हें बताया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सर तुम्हें शुरू जी शुरू के दो थे सर, 36,000 और 8,700 बताएं कि वर्क इन प्रोग्रेस में कितना अमाउंट। सर, 36,000 और 8,700 हाँ तो ये बनेगा 44,700, कितना जी, बनेगा। 44,000 अब इसके अंदर पहले तो आ गई इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, दूसरे नंबर पे क्या है देखो, इनडायरेक्ट वर्कर्स सर, की, प्रोडक्शन ओवरहेड में 5,045 ओवर टाइम प्रीमियम है, फिर इसके अंदर आएगा ओवर टाइम प्रीमियम,
फिर शिफ्ट अलाउंस, फिर सिक पे और फिर आइडल टाइम। ठीक है, तो ओवर टाइम, प्रीमियम, मूविंग फॉरवर्ड, शिफ्ट अलाउंस, सिक पे और आइडल टाइम। सर आप इसका ये टोटल ले रहे हैं? हाँ अलाउंस, हाँ शिफ्ट अलाउंस, सिक पे और आइडल टाइम, सही है जी? सही, 706। देखो इनडायरेक्ट लेबर ये वाला 22,000 और 5,400 दोनों को ऐड करो, 27,430, 27,430 बन जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड अब यहां से उठा, 7065 हो जाएगा। शिफ्ट अलाउंस कितना होगा? शिफ्ट अलाउंस होगा 5,295 जी। सिक पे कितनी होगी बेटा? सिक पे 1450 होगी। आइडल टाइम कितना होगा? आइडल टाइम देखो यहाँ पे चला रहा है 3,200। इन तमाम का टोटल कर लो, ये देखो बराबर आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो डबल एंट्री क्या बनी होगी यहाँ पे, इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी बताओ? ये टी अकाउंट जी, डबल एंट्री किसकी? बैंक की? बैंक को छोड़ो, इस साइड की, क्रेडिट साइड की मुझे बताओ, इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी इस ट्रांजैक्शन की? ओके सर, वर्क इन प्रोग्रेस कैश डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस कैश क्रेडिट, नहीं एंड वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। क्यों बोल लियो कैश क्यों बोल लियो? कौन सा टी अकाउंट है ये? वेजेस कंट्रोल अकाउंट। किस कंट्रोल टी अकाउंट है? वेजेस कंट्रोल के क्रेडिट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट आ रहा है, बताओ वर्क, तो डबल एंट्री क्या वो होगी? घबराओ नहीं, गलत भी बताओगी तो क्या होगा? तुम जैसे भी जो भी तुम बता रही हो सही बता रही हो बस। अकाउंट पेबल, अरे अकाउंट पेबल बेटा यहाँ पे कहाँ आ गया मुझे ये समझ में नहीं। सॉरी सर, एक्सपेंस। एक्सपेंस भी नहीं होगा बेटा, एक चीज सामने लिखी हुई है, देखो इसे सामने लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस। भाई तुम इसको ऐसे सोचो कि कैश का टी अकाउंट बना हुआ है तुम्हारे सामने, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे जो है वो कोई भी आइटम आ रहा है, कैश के क्रेडिट साइड पे कोई भी आइटम आ रहा है। अगर इसकी जगह कैश का टी अकाउंट होता, कैश के क्रेडिट साइड पे जो है वो मिसाल के तौर पे फर्नीचर लिखा हुआ है, क्या डबल एंट्री बनी होगी? सर फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है तो डबल एंट्री क्या बनेगी इसकी? जी वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, ठीक है, और कैश क्रेडिट। अरे फिर तुमने कैश बोल दिया, कौन सा टी अकाउंट है बेटा ये? सर सॉरी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। हाँ वेजेस कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट, ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितने से? ओके ठीक है, अब आगे चल। अब बताओ ओवरहेड्स की क्या एंट्री बनेगी? ओवरहेड्स का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 444,440, 444,440 ये ओवरहेड्स का टोटल आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये गया, ये सब गया है कहाँ पे? ये सब ऐड होके ना गया है कौन से अकाउंट में? ओवरहेड्स, ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट कह लो या प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट कह लो। ठीक है, अब इसकी डबल एंट्री बता दो मुझे, इन सब का टोटल। ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 4440 डेबिट, एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। हाँ ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 4440 डेबिट, और वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से। ठीक है, कितने अमाउंट से? 4440
ट्रिपल फोर मैं करके दिखा देता हूँ, इसमें से ये लेस कर दो क्योंकि ये तो हमने कर दिया, हमने चार जीरो बना दिए, चार फोर बना दिए। हाँ ये इस तरह, ट्रिपल फोर ठीक है, ये इस तरह से होगा, ये आया समझ में? जी सर। हाँ, इसका एक छोटा सा ना हम सवाल देख लेते हैं, बहुत आसान है ये वाला सवाल, बस ये सवाल अब बताओ। देखो, एक्स कंपनी हैज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग वेजेस कॉस्ट्स फॉर डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स फॉर नवंबर, ठीक है। द ओवर टाइम वॉज नॉट वर्क फॉर एनी स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक जॉब देखो जो मैंने तुम्हें कहा था कि ये बताएगा सवाल में तुम्हें, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ओवर टाइम स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं था। अब वो पूछ रहा है कि एंट्री क्या बनेगी और कितने अमाउंट से बनेगी, बताएं इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इसमें देखें डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, तो डायरेक्ट कॉस्ट है हमारी बेसिक पे और बस बेसिक पे एक ही है 70800। दोनों जो है ये दोनों क्या है, ओवर टाइम और हॉलीडे क्या है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, हमारी इनडायरेक्ट, दोनों तो हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल अकाउंट में आ जी जाएंगी, ये दोनों ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट में आ जाएंगी, जी और ये जो है ये इस किधर आएगी, ये वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी। अब बताओगे क्या डबल एंट्री इसकी क्या बनेगी, ये एक ही डबल एंट्री में सर, ये नंबर बी वाली वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसके अकाउंट ये वाली हाँ 70800 अकाउंट को और ओवरहेड वेजेस कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो 6.11 है, ये देखो ये इसके अंदर देखो, इन अ टिपिकल कॉस्ट लेजर व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट की जो है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की जो है वो डबल एंट्री क्या होगी, बता दो अभी तुम्हें कराइए। ओके सर, क्रेडिट होगा हमारा वेजेस कंट्रोल अकाउंट और डेबिट होगा हमारा ओवरहेड कंट्रोल ओवरहेड अकाउंट, कंट्रोल और कौन सा जी ऑप्शन इन चारों में से, 1 2 3 है, नंबर 3 ये ठीक है, तो ये है जी ठीक है। तो अभी तो देखो काफी सारे तो इसके क्वेश्चन हो ही गए हैं और काफी सारा ये कवर हो गया है, कुछ एक दो चीजें रह गई हैं तो वो मैं इंशाल्लाह कल करवा दूंगा। तो ये दिस इज ऑल फॉर टुनाइट, इंशाल्लाह कल सेम टाइम, ठीक है, थैंक यू, ओके सर, ठीक है, हाफिज, ओके, थैंक यू सर। हाफिज।